देखिए यार, राजस्थान में एक नया इतिहास रचा जाएगा, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। देश सर्वस्व इंतजार था कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, राजस्थान के जननायक, राजस्थान की विधानसभा में अपना बतौर वित्त मंत्री इस वर्ष का 5वां और वैसे 10वां बजट पेश करेंगे, और वो समय आ गया। अभी कुछ ही मिनटों बाद के अंदर राजस्थान के जननायक राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश करेंगे, और ये इस प्रकार का बजट होगा कि जिस प्रकार लोगों को उम्मीद है। जब चौथा बजट आया था तब ये लोगों को ये कह रहे थे कि चुनावी बजट है या खाली क्रियान्विति कैसे होगी, उसकी तो क्रियान्विति हो चुकी है या हो रही भी है, और ये बजट भी जो आ रहा है समय से पहले आ रहा है, तो निश्चित रूप से इस बजट की भी क्रियान्विति चुनाव आने से पहले पहले होंगी। और जहाँ तक बजट पे फोकस रहेगा, मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात को दोहराया भी है, किसानों और युवाओं के ऊपर केंद्रित ये बजट रहेगा, और एक इतिहास रचा जाएगा राजस्थान के अंदर कि आज अशोक गहलोत जी 5वां बजट पेश करेंगे। देखिए वो उनको वो तो धर्म की राजनीति वो लोग करते हैं, उन्होंने जब जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएगा इसको जातिगत में धर्म के ऊपर बांटने की कोशिश करेंगे। प्रदेश का नेता होता है, उसको सभी धर्म को साथ लेकर चलने की बात आती है। मदरसे बात हो और स्कूल की बात हो और समाज की स्कूल बात हो, संस्कृत की स्कूल हो, जहाँ कहीं पर भी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वहाँ पर हर चीज़ को हर वर्ग को ध्यान में रखा जाता है। राजस्थान एक इतिहास रचा है राजस्थान के अंदर का, सब वर्ग को, सब समाज को, सब धर्म को साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी चली है, और वो कांग्रेस का एक इतिहास है। कि जब पिछले विधानसभा में सत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कमेटी गठित करी है राम लुभाया जी की अध्यक्षता के अंदर, और कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक। 31 मार्च तक कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अंतिम समय है, और ये खाली एक मीडिया और एक समाचार पत्रों का कयास लग रहा है मुझे तो। ये क्यों नहीं बनने चाहिए? आप भी मांग कर रहे हैं नए, बनने चाहिए, वक्त के हिसाब से बनने चाहिए नए।